नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। और आज की सबसे बड़ी खबर यह बनी हुई है, क्योंकि जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस में आगे कौन निकलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और इन नतीजों से ये तय होना है कि सुपर पावर अमेरिका के पावर हाउस यानी व्हाइट हाउस पर कब्जा किसका होगा। ताजा आंकड़े आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये आंकड़े आपको ये बताएंगे कि ये नतीजे जो हैं अभी जो बाइडेन के पक्ष में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा पूरे नतीजों का। मैजिक फिगर बहुमत का आंकड़ा 270 है, जिसमें 209 अभी जो बाइडेन के पक्ष में दिखते हैं इलेक्टोरल वोट्स, और डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में दिखाई देते हैं 112। डोनाल्ड ट्रंप पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये स्टेट्स तय करते हैं कि अमेरिका में सत्ता पर काबिज कौन होगा। तो ऐसे में इंतजार करना होगा, काउंटिंग अभी वहां चल रही है, लेकिन इस पूरी खबर पर नजरें पूरी दुनिया की हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस में जो भी ऑक्यूपेंट होगा, जो भी वहां का नया निवासी होगा, उसके बाद पूरी दुनिया की दशा, दिशा, जियोपॉलिटिक्स, किस तरह से बड़े मुद्दों पर जो है तस्वीर बदलती है, वो तय होगा। सबसे पहले आप ये देखिए अमेरिका के अलग अलग राज्यों में इस वक्त इलेक्टोरल वोट्स की क्या तस्वीर है। टोटल 50 राज्य, लेकिन इन तस्वीरों को अगर आप देखेंगे, नॉर्थ डकोटा 3 वोट, साउथ डकोटा 3, नेब्रास्का, ओक्लाहोमा, मिसौरी, ल्यूजीनिया, मिसिसिपी, तो ये अलग अलग राज्यों में जो ये हम आपको नाम दिखा रहे हैं, दरअसल इन जगहों पर राष्ट्रपति ट्रंप आगे निकल चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जहां पर जो बाइडेन आगे चल रहे हैं, और इसी वजह से अभी वोट्स में, इलेक्टोरल वोट्स का आंकड़ा उनके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इन राज्यों में ट्रंप अभी आगे हैं, टेक्सास, फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा की बात यहां पर करना बहुत अहम होगा, क्योंकि 29 इलेक्टोरल वोट्स यहां पर हैं, और ये राज्य जो है वो ट्रंप के पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। फ्लोरिडा के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी वहां पर हावी होता है व्हाइट हाउस की रेस में, उसका नाम ज्यादा पुख्ता, ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। हालांकि इस पर अपने एक्सपर्ट से भी हम और राय लेंगे, लेकिन अब एक नजर हम ये भी देख लेते हैं कि जो बाइडेन वो अभी किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अमेरिका के ही इस मैप में आपको नीले रंग से वो स्टेट्स हम दिखा रहे हैं जहां पर जो बाइडेन इस वक्त आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं। हालांकि काउंटिंग अभी भी चल रही है, और इस बार का देखिए जो ये पूरा चुनाव, ये बहुत दिलचस्प इसलिए भी क्योंकि कोरोना के दौर में सुपर पावर अमेरिका, दुनिया के सबसे ताकतवर देश में चुनाव हुए हैं, और इसमें इस बार बैलेट वोट्स मेल के जरिए भी आए, ड्राइव थ्रू वोट्स भी आए। हालांकि उसको लेकर भी एक अलग पॉलिटिक्स अभी अमेरिका में दिखाई दे रही है, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा वोट उसमें शामिल हुए, उसके बाद पर्सन इन वोटिंग के जरिए जो वोट्स हासिल हुए, तो काउंटिंग का ये दौर अभी चल रहा है, लेकिन 209 वोट्स, इलेक्टोरल वोट्स अभी जो बाइडेन के पक्ष में है, और ट्रंप के पक्ष में 109 वोट्स अभी दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में गीता मोहन मौजूद हैं और बाकी खास मेहमान भी जुड़ेंगे। गीता, देखिए दिलचस्पी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका के वोटर्स की, वहां के सिटीजन की है, हम भी यहां पर दिल थाम कर बैठे हैं, और सरकार भी बहुत करीब से देख रही होगी अमेरिका में कौन आने वाला है। अभी की तस्वीर पर एक क्विक क्रैश। अगर आप अभी की तस्वीर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेट है, जिसका जिक्र आपने भी किया, फ्लोरिडा, वहाँ पर ऑलमोस्ट 100% काउंटिंग ख़त्म हो गया है। काफ़ी सारे जो नेटवर्क्स हैं और वेबसाइट्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी कॉल कर दिया है कि फ्लोरिडा ट्रंप के तरफ गया है। अगर हम कॉल नहीं भी करते हैं तो ये तय करके चलिए कि जो 29 इलेक्ट्रल वोट्स हैं फ्लोरिडा के, वो ट्रंप के पास जाने वाले हैं, और अगर ये होता है तो ट्रंप अभी भी रेस में बरकरार रहेंगे। अगर हम नेशनल जो जैसे इलेक्शंस भारत में होते हैं, वैसे इलेक्शंस अमेरिका में नहीं होते हैं मीनाक्षी। वहाँ पर हर स्टेट में कितने वोट्स पाए गए हैं, क्या वोट शेयर उस स्टेट का है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एक वोट से भी अगर एक कैंडिडेट आगे हो जाता है तो उस पूरे स्टेट के इलेक्ट्रल वोट्स उस कैंडिडेट को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अगर 400, 200 ऐसे ऐसे के डिफरेंसेस में भी फ्लोरिडा एक कैंडिडेट ले जाता है, और यहाँ पर बड़े क्लियरली पता चल रहा है कि ट्रंप आगे थे, पूरे समय आगे रहे। अभी 100% वोटिंग काउंटिंग ख़त्म हो गया है, ऐसा लग रहा है कि 29 इलेक्ट्रल वोट्स जो हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो ट्रंप के हिस्से में गए हैं। गीता, जो बात आप फ्लोरिडा के पर्सपेक्टिव में कह रही हैं, देखिए बड़ा दिलचस्प ये है कि अब से 4 घंटे पहले
डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं पूरे देश में और थैंक यू। तो ये तो कुछ उस तरह का कॉन्फिडेंस और उस तरह की तस्वीर है कि पहले ही मान लिया कि अब हम जीत रहे हैं, चार घंटे पहले ही। दो चीज़ें की हैं, एक तो कॉन्फिडेंस अगर आप देखें, दूसरी बात जब उनसे पूछा गया क्या अगर क्लैरिटी हो स्टेट्स में, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, ओहायो, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, अगर वो बाइडेन की तरफ जाते हैं तो क्या आप डिफीट कंसीड करेंगे, तो उन्होंने कहा हमने अभी तक ऐसा कोई स्पीच प्रिपेयर नहीं किया है, ना कंसेशन का ना एक्सेप्टेंस का, कि अगर हम जीतेंगे तब भी नहीं। वो बड़े कॉशियसली चल रहे हैं इसमें, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए ये कहते हुए कि ये सेकेंड टर्म तो मेरा है, जिसका मतलब ये है कि अगर क्लैरिटी हो स्टेट्स में भी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो तब कुछ नहीं कर सकते, वरना कोर्ट्स के चक्कर, चैलेंजिंग डिसीशंस, बहुत कुछ होने वाला है। हमारे साथ विवेक काटजू भी आ गए हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग सर। सर मुझे पता है कि आप भी बहुत बेसब्री से पूरा इस वक्त टीवी स्क्रीन्स पर, लैपटॉप कंप्यूटर पर नजरें गड़ाए बैठे होंगे कि नंबर्स किस तरह से बदल रहे हैं और सुपर पावर अमेरिका में क्या होने वाला है, और शायद यही कुछ स्थिति सरकार में भी इस वक्त होगी कि व्हाइट हाउस का नया ऑक्यूपेंट कौन रहने वाला है। भारत के लिए आपके लिहाज से अभी का बिग टेक अवे क्या है? अभी चुनाव में कुछ देर लगेगी पिक्चर साफ होने में, लेकिन ये साफ है कि ट्रंप साहब ने बहुत ही अच्छी टक्कर दी है। पोल्स तो ये दिखा रहे थे कि बाइडेन इलेक्शन निकाल लेंगे और इतनी उनको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इसके विपरीत अब तो ऐसा लग रहा है कि तीन चार स्टेट्स पर ही निर्भर करेगा चुनाव का दारोमदार, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और एरिजोना। और अगर इन चार स्टेटों को जैसे 2016 में ट्रंप साहब ने रखा था वो रख पाते हैं तो फिर विजय उनकी है। अगर इसमें कुछ फेरो बदल होता है तो फिर पता चलेगा। जहां तक भारत का सवाल है, मुझे लगता है दोनों ही, ट्रंप और बाइडेन, भारत से रिश्ते अच्छे करना चाहेंगे। ट्रंप साहब ने तो चार साल में बहुत काम किया है इसके निस्बत, लेकिन बाइडेन भी अगर आए तो वो भी चाहेंगे कि भारत से रिश्ते ठीक हों। हाँ, अगर बाइडेन आते हैं तो कुछ मेथड में, कुछ शैली में परिवर्तन जरूर होगा, लेकिन सामरिक दृष्टि से भारत के साथ संबंध बढ़ाने में अमेरिका के हित में है। और अब अल्टीमेटली तो देशों के जो संबंध हैं वो हितों पर निर्धारित होते हैं, और हितों इस वक्त हित भारत और अमेरिका के मिलते जुलते हैं। सर एक चीज़ मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी तो बाइडेन आगे दिखाई दे रहे हैं और अगर हम अभी के रुझान या नतीजों के हिसाब से मानकर चलें कि बाइडेन ही व्हाइट हाउस पहुँच रहे हैं, तो भारत के लिए वर्तमान स्थिति में चीन के साथ जो हमारे अभी LAC पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, या पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारे देश में जिससे हम लगातार जूझ रहे हैं, इन्हें लेकर बाइडेन किस तरह की अप्रोच रखते हैं, खास तौर पर जो फंडिंग अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को होती है या चीन पर अंकुश लगाने में, वो आगे किस तरह की पॉलिसी या कोई क्रांतिकारी कदम उठाते हैं, इसे लेकर भारत क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? देखिए, पहली चीज तो अभी पिक्चर साफ नहीं है, जैसे मैंने कहा इन चार स्टेटों पर निर्भर करेगा, और उसके बाद अगर इन चार स्टेटों के नतीजे आ जाते हैं तो फिर पिक्चर कुछ साफ होगी। हाँ, अगर बाइडेन जीत जाते हैं, ट्रंप से छीन लेते हैं प्रेसिडेंसी, तो चीन के, मुझे लगता है कि चीन के जो एक राइज हो रहा है, जो चीन एक आक्रमण दिखा रहा है, वो ना बाइडेन को, ना ट्रंप को तो कबूल है ही नहीं, ना बाइडेन को भी नहीं होगा। अमरीका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और चीन उभर रहा है, लेकिन अमेरिका वो अपना स्थान छोड़ने को तैयार नहीं। अब बाइडेन क्या मेथड अपनाते हैं चीन को रोकने में, वो देखना पड़ेगा। क्या कुन क्षेत्रों में बाइडेन चीन के साथ सहयोग करेंगे, जो कि ट्रंप नहीं कर रहे थे, तो अब उस पर अगर ये शैली बदलती बाइडेन की, तो फिर ये हमें देखना होगा कि भारत का उस शैली के अंतर्गत क्या स्थान। ट्रंप ने तो साफ कर दिया कि भारत से वो सामरिक क्षेत्र में भी रिश्ते मजबूत करना चाहते हैं। अभी पोम्पियो साहब आए थे और पोम्पियो के साथ जो समझौता हुआ बेका का, उससे अब रक्षा के क्षेत्र में सहयोग के जो रास्ता है वो पूर्ण रूप से खुल गया।
रक्षा के क्षेत्र में बाइडेन भी अगर आए वो भी सहयोग बढ़ाएंगे, लेकिन किस गति से बढ़ाते हैं, किस रूप में बढ़ाते हैं, उसमें कुछ फर्क आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये आपने सही कहा सर कि अभी बहुत जल्दबाजी है कुछ भी कहना, क्योंकि देखिए जो वोट्स हम आपको लगातार दिखा रहे हैं 270 मैजिकल फिगर है बहुमत का आंकड़ा, 209 अभी जो बाइडेन के पक्ष में दिखते हैं और 118 डोनाल्ड ट्रंप के। ट्रंप अभी की तस्वीर के हिसाब से पीछे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नतीजों का पूरा इंतजार अभी हमें करना होगा। हमारे साथ गुरजीत सिंह भी जुड़ गए हैं, आप पूर्व राजदूत हैं, जर्मनी, इटली और इंडोनेशिया में आप सर्व कर चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। गुरजीत जी, जो तस्वीर अभी तक की दिखाई दे रही है, हालांकि फाइनल नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन जो पहले के सर्वेस थे उसमें जो बाइडेन को ट्रंप के ऊपर एक बढ़त दिखाई दे रही थी, लेकिन अब जिस तरह से नतीजे बढ़ रहे हैं और फ्लोरिडा का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि फ्लोरिडा तस्वीर बदल सकता है, एक राज्य जहां पर जो ज्यादा नंबर में होता है या जो शक्तिशाली होता है उसी के सत्ता में लौटने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, अभी का आपका प्रेडिक्शन या आप अभी की तस्वीर पर क्या समझ पा रहे हैं? इस समय की तस्वीर इतनी सफा तो नहीं है, लेकिन वो बातें तो स्पष्ट हो गई हैं कि जो इस समय स्विंग स्टेट्स हैं, जो जिनका आंकड़ा इस समय बड़ा था पहले के मुकाबले, वो इतने स्विंग स्टेट्स नहीं बचे लगते हैं, ट्रंप अपने स्टेट्स होल्ड किए लगते हैं। दूसरी बात ये है कि जो डेमोक्रेट्स ने नई वोट निकालने की कोशिश की थी, खासकर उन्होंने जो बोला कि ब्लैक्स या हिस्पैनिक्स, उनकी जो वोट है निकली तो है, लेकिन लगता है ट्रंप की ओर भी गई है। तो जो फ्लोरिडा, टेक्सास ऐसे बड़े बड़े स्टेट हैं, उनमें जो डेमोक्रेट्स की बढ़त है हुई है, लेकिन इतनी बढ़त नहीं हुई कि वो स्टेट कैप्चर कर लें। तो इसलिए अभी तक आप देखें कुछ सब स्टेट जो पिछली बारी ट्रंप ने होल्ड किए थे या डेमोक्रेट्स ने होल्ड किए थे, वो वैसे ही चल रहे हैं। तो जो डेमोक्रेट्स एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे, उनका वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन इतना नहीं बढ़ा है कि वो स्टेट कैप्चर। ठीक है गीता, यहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प पॉइंट जो दिखाई देता है वो ये कि जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि सर्वेस पहले जिस तरह से पहले ये दिखा रहे थे कि बाइडेन आगे निकल रहे हैं, लेकिन ट्रंप की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा अगर कही जाए तो वो कोरोना को लेकर भी थी, क्योंकि अमेरिकन सिटीजन्स में एक जबरदस्त नाराजगी थी और जो एक हम कहते हैं कि आपका परंपरागत वोट बैंक होता है, जो ट्रंप का भी एक कोर सपोर्टर ग्रुप था जिसमें सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा थी, वो तो ऐसे लोग थे जिन्होंने शायद अपनी उम्र या अपने सर्कल के किसी ना किसी को जरूर खोया है अगर कोरोना का डेथ टोल हम अमेरिका में देखें। तो अभी के नतीजों से क्या लग रहा है, कोरोना को लेकर अमेरिकन सिटीजन्स ने किस दिशा में वोट किया है? मीनाक्षी, अगर कोरोना नहीं होता तो जो अभी हम देख रहे हैं यूएस इलेक्शंस में वो तस्वीर ही बहुत अलग होती। तो कोरोना का बहुत ही बड़ा हाथ है जिस वजह से ट्रंप को इतनी मशक्क़त करनी पड़ी और लड़ाई इतनी लंबी और बड़ी हो गई। अगर कोरोना नहीं होता तो फिर इकॉनमी को लेकर अगर देखें तो काफ़ी लोग नाखुश नहीं हैं। अगर पॉलिसीज़ को लेकर देखें तो अमेरिकन्स जो फॉर अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इन सब मामलों को देखें तो अमेरिकन्स नाखुश नहीं थे ट्रंप के साथ। लेकिन अगर आप सीनियर्स की बात करें तो सीनियर्स का जो शिफ्ट है वो हमने कई सारे स्टेट्स में देखा, फ्लोरिडा में पर्टिकुलरली, जहाँ पे काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जिनका मुद्दा ये नहीं था कि कोरोना में क्या हुआ। ज़रूर हेल्थ केयर उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो ये देख रहे थे कि जो इनके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं और जो इनके टैक्स स्कीम्स हैं इसमें उनको काफ़ी नुकसान हो सकता था, जिस वजह से एक शिफ्ट देखा गया। लेकिन एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ मीनाक्षी इस पूरे इलेक्शन के दौरान, वो ये है कि सीनियर सिटीजन का जो वोट शिफ्ट है वो इस मुद्दे पर भी था, क्योंकि हम बात कर रहे थे सीनियर्स के साथ फ्लोरिडा में, वो इस मुद्दे पर था जो कैरेक्टर को लेकर है। तो हम मिड एज ग्रुप की बात नहीं करते हैं, लेकिन जब सीनियर्स की बात करें और बिल्कुल कॉलेज स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए कैरेक्टर बहुत ही बड़ा मुद्दा था कि डिसेंसी, कि हम वापस से अमेरिका को डिसेंट बनाएं, ऐसा डिस्कोर्स हो जहाँ पे बातचीत करने में और ये बोलने में कि हमारे प्रेसिडेंट ने क्या बोला उसमें शर्म ना आए। तो ये कैरेक्टर की बात और डिसेंसी की बात काफ़ी चर्चे में रहा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया, क्योंकि ये पर्सनैलिटी से जुड़ा भी एक मामला है और हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स है वहाँ चाल, चरित्र, चेहरा ये अमूमन डिस्कस होता है और
मॉरल हाई ग्राउंड्स की हमेशा बात होती है, लेकिन यूएस में जो ये दो सबसे बड़े चेहरे जो राष्ट्रपति पद की लड़ाई में मौजूद हैं, इन्हें लेकर पर्सनालिटीज को लेकर क्या तस्वीर है, इस पर हम आगे बात करेंगे। प्रतीक्षा घिल्डियाल भी मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक पर ये बड़ा कवरेज हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक। में बिग बॉस कौन होगा, व्हाइट हाउस में कौन पहुंचेगा, इसको लेकर आज तक का ये कवरेज लगातार जारी है और हमारी संवाददाता प्रतीक्षा हमें ये जानकारी वहां से दे रही है कि अभी पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, ये जो तीन स्टेट्स हैं, यहां पर क्या नंबर्स रहते हैं और रिजल्ट्स क्या होते हैं, ये बहुत कुछ तय करेंगे आगे। लेकिन इस बीच बहुत जरूरी है ये देखना कि 538 के इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत का आंकड़ा है 270, और अभी हालांकि दोनों में से कोई भी इस आंकड़े को छू नहीं पाया है, लेकिन आगे चल रहे हैं जो बाइडेन 209 वोट्स के साथ और 118 वोट्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप उनसे पीछे हैं। बात कीजिए, अमेरिका का बिग बॉस कौन, ये सवाल तो सबके जहन में इस वक्त है, लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस तरह से ये चुनाव जिस दौर में हुए हैं कोरोना के वक्त में, एक बड़ी अग्नि परीक्षा ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए थी। इससे पहले के सर्वेज में वो पीछे दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से रुझानों में उनका परफॉर्मेंस आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, कांटे की टक्कर इस वक्त अमेरिका में दिखाई दे रही है। आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जो बाइडेन 209 वोट्स उनके पक्ष में है, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप 118 वोट उनके पक्ष में है। हालांकि ये आंकड़ा बहुत तेजी से बदल भी रहा है, काउंटिंग अभी वहां चल रही है, इसलिए इंतजार करना होगा साफ स्पष्ट तस्वीर का। लेकिन फिर भी ये सवाल लगातार बना हुआ है कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिक्स, आगे के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो क्या दशा और दिशा तय होंगे, ये आज इन नतीजों से तय होगा। लेकिन आप ये भी देखिए कि इस बीच कई तरह की खबरें अमेरिका से इस वक्त निकल कर आ रही हैं, व्हाइट हाउस के बाहर भीड़ जमा है, खबरें ये भी मिल रही हैं कि किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए वहां पर इंतजाम तमाम किए गए हैं। फ्लोरिडा का जिक्र जरूर करना होगा क्योंकि अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है कि फ्लोरिडा बड़ा राज्य है, 29 इलेक्टोरल वोट्स वहां पर हैं, और जो वहां बाजी मार ले जाता है सत्ता की चाबी, उसके हाथ में आने की संभावनाएं और प्रबल हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं, और वो अभी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका से तस्वीरें सीधी आप देख रहे थे, और एक बड़ा पैनल यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ भी चर्चा के लिए मौजूद है। हमारे साथ विवेक काटिजू साहब मौजूद हैं, आप फॉर्मर सेक्रेटरी हैं मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व राजदूत, जर्मनी, इटली और इंडोनेशिया में आप सर्व कर चुके हैं। स्टूडियो में गीता मोहन, फॉरन अफेयर्स एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अभिषेक सिंह अमर हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूयॉर्क से, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं साउथ एशियन हिस्ट्री एंड रिलीजन के हैमिल्टन कॉलेज में। और वी वेंकटा सुब्बाराव जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, आप ट्रंप समर्थक हैं। और अजय जैन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो बाइडेन समर्थक हैं। अजय जैन जी, शुरुआत आपके साथ करते हैं, अभी के जो वोट नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, खुश तो आप होंगे इस वक्त, लेकिन फाइनल नतीजों के लिए तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और फ्लोरिडा क्या थोड़ी टेंशन आपको दे रहा है, 29 इलेक्टोरल वोट्स जा चुके हैं ट्रंप के पक्ष में। इस तरह से देखना है कि 2016 का जो मैप था, डोनाल्ड ट्रंप को उसको डिफेंड करना था, और बाइडेन को बेसिकली अगर उस मैप में से तीन स्विंग स्टेट मिल जाते हैं, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, या फिर विस्कॉन्सिन, मिशिगन, एरिजोना और एक स्टेट नॉर्थ कैरोलिना में अगर मिल जाता है तो बाइडेन जीत जाते हैं। तो फ्लोरिडा तो डेफिनेटली ट्रंप के पक्ष में जाएगा, ओहायो भी ट्रंप के पक्ष में जाएगा, और टेक्सास भी ट्रंप के पक्ष में जाएगा, तो उससे जो ये नंबर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी चेंज होंगे। लेकिन अभी काउंटिंग जारी है, और जो इलेक्शन जो है एरिजोना हमें बाइडेन को मिलेगा, और जो मेन जो बॉटम लाइन जो होगी कि बाइडेन को जीतना पड़ेगा विस्कॉन्सिन, मिशिगन और मे बी आयोवा या पेंसिल्वेनिया, लेकिन और ट्रंप को जीतना पड़ेगा पेंसिल्वेनिया, और तब वहां जाके सारा डिसाइड होगा। सुब्बाराव जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से जो बात अजय जैन जी यहाँ पर कह रहे हैं,
ट्रंप तो हालांकि 4 घंटे पहले ही ये ट्वीट कर चुके हैं कि थैंक यू, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि वही जीतने जा रहे हैं। हाँ, यह सही बात है। टेक्सास, ओहायो और फ्लोरिडा कुछ नेटवर्क्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं ट्रंप के पक्ष में। अभी 204 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप के पक्ष में है। अभी देखना है कि मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना और आयोवा, ये 4 अगर ट्रंप के पक्ष में जाएगा तो वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। वो उनका एस्टिमेट से एक कम हो गया, अरिजोना, अरिजोना अराउंड 10-11 सीट्स वो बाइडन के पक्ष में गया, बट ट्रंप के समर्थक अभी भी उनका एग्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि जल्दी कॉल किया गया बोल के सोचते हैं। मगर वो समझिए, वो गया तो भी मिशिगन, विस्कॉन्सिन, नॉर्थ कैरोलिना, आयोवा में अगर जीत गए तो प्रेसिडेंट ट्रंप होगा। ये बहुत ये चारों में लीड कर रहे हैं अभी, सो उम्मीद है कि वो जीतेंगे, वो 4 स्टेट जीतेंगे। चलिए सुबह राव जी, अभी तो फाइनल रिजल्ट्स के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे जाते हैं, कोई सोच नहीं सकता, पहले से तय नहीं कर सकता क्या बोल जाएंगे। और जो उनके कार्यकाल के ये आखिरी का साल था, भारत के खिलाफ भी बोल गए। लेकिन बड़ी हैरानी हुई कल जब जूनियर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया, एक वर्ल्ड मैप जो उन्होंने ट्वीट किया, उसमें वो तो ये दिखा रहे हैं कि भारत ट्रंप के खिलाफ है, भारत का नक्शा उन्होंने गलत पोस्ट कर दिया। किस तरह से ले भारत इस ट्वीट को, इस नक्शे को? एक्चुअली आप देखे तो अमेरिका में भारत का नक्शा है ना, वो कभी भी, बहुत सालों से कभी भी ठीक नहीं है, वो ही फॉलो कर रहे हैं। वो लोग नया चेंज नहीं किया है। अभी आप अगर अमेरिका से रह के NRI रह के इंडिया जा रहे हो, और ग्लोब, अमेरिका से ग्लोब खरीद के इंडिया जाते हो, वहाँ कस्टम वाले वो ग्लोब का एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं ये देखा 20 साल के पहले। सो ये नक्शा यहाँ गलत था, उसको बदलना चाहिए। अभी कश्मीर का मामला नहीं, ये बात तो भारतीयों को पसंद ही नहीं आएगी ना। 125 करोड़ भारतीय हिंदुस्तान में हो गए, 40 लाख तो अमेरिका में भी बसते हैं, ये बात तो वहाँ किसी को पसंद नहीं आएगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात ये कि पाकिस्तान को आप अपने पक्ष में दिखाते हैं और हिंदुस्तान को आप चाइना के साथ दिखा देते हैं कि हिंदुस्तान और चाइना एक मंच पर खड़े हैं। एक्चुअली एक अगर नक्श की इसका बात है तो वो गलत तो बहुत साल से है। और ये बात है, इनको इंडिया के फेवर में है ये जूनियर डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, उनको इतना ज्योग्राफी में आइडिया है, मुझे मालूम नहीं है। मगर ट्रंप को तो बहुत ही आइडिया है, उनका मुंबई में ट्रंप होटल भी है, वो गुजरात आ गए हैं, मोदी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, भाईचारा है, सो उनको मालूम है। मैं आप इतना डोनाल्ड ट्रंप जूनियर से इतना परेशान होने का जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन हिंदुस्तानियों को यकीनन ये बात पसंद नहीं आएगी। काजू साहब, जिस तरह से देखिए जूनियर ट्रंप का ये ट्वीट आया था, यहाँ पर ये जरूर समझना होगा कि अगर अब ट्रंप वापस सत्ता में लौटते हैं, हालांकि जो उनका ये कार्यकाल रहा, वर्तमान कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने हाउडी मोदी जैसे प्रोग्राम हमने देखे, या खुद जब हमारे प्रधानमंत्री वहां गए तो अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दे दिया, लेकिन सवाल ये जरूर भारत के जहन में आएगा कि ट्रंप अगर सत्ता में लौटते हैं तो क्या इस बार हम ट्रंप को भारत के खिलाफ कुछ कड़े फैसले लेते हुए देख सकते हैं, जो उनकी एक राष्ट्रवादी छवि है या अमेरिका फर्स्ट की जब वो बात करते हैं? देखिए, इमिग्रेशन और ट्रेड के क्षेत्रों में तो ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं वो भारत को अच्छे नहीं लगे, हमारे हितों को कुछ तो नुकसान हुआ ही है। लेकिन बड़ी बात है कि सामरिक क्षेत्र में क्या हो, और उसमें ये देखना होगा कि ट्रंप क्या अपनी चीन की नीति पर कायम रहते हैं, जिस तरह उन्होंने इस साल पूरा एक प्रहार किया है चीन पर, और कोरोना वायरस को भी चीन वायरस कहा है, और चीन को एक प्रकार से अमरीकी चुनावी मुद्दा बनाया उन्होंने। क्या इस नीति पर वो चलेंगे आगे अगर वो जीते, या इस नीति से में वो कुछ बदलाव लाएंगे, क्या वो एक अलग मेथड अपनाएंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि ट्रंप जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, वो एक ही मार्ग पे नहीं चलते हैं। आपने नॉर्थ कोरिया की तरफ देख लिया कि किस प्रकार एक बार
एक चीज एक वाणी में बोल रहे थे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, वो फिर बिल्कुल पलट गए उससे। तो अब अगर चीन के उनकी चीन नीति में कुछ भी बदलाव आता है तो उसका भारत पे कुछ ना कुछ असर पड़ेगा रक्षा और सामरिक क्षेत्र। चलिए ये अब आने वाले दिनों की बात होगी, आने वाले वक्त की बात होगी। लेकिन अजय जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पर देखना कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के स्टेटमेंट्स देते आए हैं और जिस बात का जिक्र मैं पहले भी करी थी कि अगर जूनियर ट्रंप एक ट्वीट कर रहे हैं, नजरें पूरी दुनिया की जिन पर टिकी हुई हैं, अगर वो इस तरह के संदेश देंगे जो आप कह रहे हैं कि मित्र देश है जो आपके साथ में अच्छे संबंध हैं और उनका नक्शा आप गलत दिखा रहे हैं, या चीन के साथ जो परिस्थितियां हैं उस पर ये एक तरह का कटाक्ष भी है, पाकिस्तान को आप अपने समर्थन में दिखा रहे हैं, हिंदुस्तान को अपने खिलाफ दिखा रहे हैं, संकेत तो यहां से स्ट्रांग मिलते ही हैं, इनको तो जरूर एनालिसिस, इसका एनालिसिस जरूर होगा चाहे वो इंडियन मीडिया में हो चाहे बाहर भी हो। एब्सोल्युटली, अगर आप ये देखें कि ट्रंप ने मोदी जी ने ट्रंप को बहुत अच्छा एक बड़ा इवेंट किया गुजरात में, फिर टेक्सास में भी किया, लेकिन उस फ्रेंडशिप को सिर्फ फोटो और अपॉर्चुनिटी के लिए यूज़ किया ट्रंप ने एज ए ट्रांजैक्शनल। इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन जो स्टेटस था वो हटा दिया, इंडिया के साथ में अभी 47 मंथ्स में कोई ट्रेड डील नहीं हुई, इंडिया को स्टेज पे बोला इंडिया इज फिल्दी, इंडिया इज एयर इज फिल्दी, कोविड नंबर्स आर लाइज, ये सारा बोला, उसके बाद में जूनियर ट्रंप ये ऐसा कर रहे हैं। तो ये एक सारा इंडिकेशन है कि वो जिस तरह से इंडिया अमेरिका को इतना, मतलब ट्रंप को इतना प्यार दे रहा है या जो वो कर रहा है वो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। अगर होता तो ट्रेड डील्स होती या कुछ भी होता। उसके अलावा चाइना का जो एग्रेशन हो रहा है वो एक पूरा चेंज कर दे रहा है पॉलिटिकल। उसके लिए इंडिया और यूएस, चाहे बाइडेन की सरकार हो चाहे ट्रंप की सरकार हो, दे हैव टू बिकम नेचुरल अलाइज और दोनों चाइना को फेस करने के लिए जरूरी है ये स्ट्रांग बने, तो वो होना पड़ेगा। और बाइडेन ने कहा था कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हो रहा है इंडिया में वो ही इज गोइंग टू स्टैंड अगेंस्ट इट और ही इज गोइंग टू स्टैंड विद चाइना, और चाइना के साथ, इंडिया के साथ खड़े रहेंगे चाइना के इस एग्रेशन के लिए। लेकिन ट्रंप की तरफ से ये सिर्फ शो नहीं हो रहा है। प्रोफेसर सिंह, आपको मैं आप बातचीत में शामिल करना चाहूंगी। ये बहुत दिलचस्प है देखना कि हम बार बार कह रहे हैं कि कोरोना के काल में, कोरोना के वक्त में जब ये इलेक्शन हो रहे हैं, ये एक बड़ी अग्नि परीक्षा सिटिंग प्रेसिडेंट के लिए डेफिनेटली थी, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, लेकिन जो अमेरिकी नागरिक हैं उनके लिए किस तरह के मुद्दे इस पूरे चुनाव में छाए रहे, और सिर्फ अमेरिकी नागरिकों की नहीं बल्कि जो 40 लाख भारतीय वहाँ पर हैं उनमें से 25 लाख के करीब तो वोटर्स हैं, उनके लिए भी क्या ये मुद्दे सेम थे बिल्कुल अमेरिकन सिटीजन्स की जैसे ही, या अलग थे इस चुनाव में? देखिए, अमेरिकन सिटीजन्स के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है, जैसे अभी सर्वे हुआ है एक इसको लेकर के, सर्वे में ये निकल के आया है कि जो डेमोक्रेट लीनिंग लोग हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रेशियल जस्टिस उभर करके आया। अगर रेशियल जस्टिस की बात करें तो जो फ्लेयर हुआ इस समर में, इस जून जुलाई में, शहरों में तरह तरह जगह जगह प्रदर्शन हुआ, लोग बाहर निकले, रोड पर आए, प्रोटेस्ट किया, तो उसका असर कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी को भी पड़ता है क्योंकि पीपल ऑफ कलर में इंडियन कम्युनिटी भी इंक्लूडेड है, तो आप उसको सेट असाइड नहीं कर सकते। वो एक इम्पॉर्टेंट इशू रहा है जो रेजोनेट करेगा, जो भी लोग हैं, पीपल ऑफ कलर हैं, पर्सन ऑफ कलर हैं, जो बाहर से हैं, जो इमिग्रेंट कम्युनिटी हैं, राइट। दूसरा कि लोकली अगर आप देखते हैं तो लोकल मुद्दा इकॉनमी वर्सेस कोविड रहा है कि कोविड 19 को लेकर के डेमोक्रेट्स ने सबसे बड़ा उसी को मुद्दा बनाया, क्योंकि कोविड 19 के वजह से बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए, जो इकॉनमी पे असर पड़ा, जो अमेरिका का इकॉनमी टैंक हुआ आपको मार्च महीने में, जिसके वजह से करीब 4 करोड़ लोग, 4.5 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, और धीरे धीरे अब वो बेरोजगारी के वजह से फिर हेल्थ सिस्टम पे असर पड़ा, जो जिनका हेल्थ इंश्योरेंस था वो चला गया। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के डेमोक्रेट्स उठाते रहे, इन्हीं मुद्दों पर उनका जोर रहा। ट्रंप दूसरी तरफ इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी, उनका एक कंसिस्टेंट मैसेज इकॉनमी था, रेशियल जस्टिस को ओवरलुक करते हुए उन्होंने वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मैसेज दिया, तो वो लॉ एंड ऑर्डर मैसेज जो है वो कहीं कहीं रेजोनेट कर रहा है, जिस जैसे फ्लोरिडा में शायद वो मैसेज रेजोनेट किया लोगों के साथ, तो वो उनके सपोर्ट में है, वहाँ पे वो जीत रहे हैं, लेकिन वही मैसेज मिनेसोटा में रेजोनेट नहीं कर रहा है, जहाँ उनको लगा था कि वो फ्लिप कर सकते हैं, तो मिनेसोटा वो हार रहे हैं। और इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि कांटे की ये टक्कर इस वक्त अमेरिका में दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, बहुत दिलचस्प ये भी देखना है कि 116 साल के बाद अमेरिका के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि जिस दिन मतदान हुआ उसी रात कौन राष्ट्रपति होगा, ये जो है तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, ये कवरेज लगातार जारी रहेगा।
कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है अमेरिका में व्हाइट हाउस की रेस में, और आंकड़े भी आपको हम लगातार ये दिखा रहे हैं। 270 जो कि बहुमत का आंकड़ा है, 209 वोट्स जो बाइडेन हासिल कर चुके हैं, 118 वोट्स डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में है। लेकिन दिलचस्प ये है कि जो स्विंग स्टेट्स है वहाँ क्या होने वाला है, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, यहाँ पर अभी इंतजार करना होगा कि किसके पक्ष में जाते हुए ये स्टेट्स दिखाई देते हैं, जिसके बाद काफी हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी कि व्हाइट हाउस में नया रेजिडेंट कौन होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, लेकिन आज तक पर दिन भर ये कवरेज लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।